तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के दोपहर के अभी 3 बजने वाले हैं। मैं निकल चुका हूँ क्रेडिट कार्ड निकालने के लिए। अभी बाहर जो वही धूप हो रही है, यहाँ से शायद से रास्ता बंद है। हाँ, यहाँ से रास्ता बंद है शायद, गेट खोल के रखे, यहाँ से निकल जाते ना। यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से निकल जाते। धूप बहुत हो रही है भाई, अगर क्या करें। आज ये पैदल निकले, पैदल इसलिए कि यहाँ पे पास में ही है। चलिए आज से अभी यहाँ से हमें यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लग चुका है। तो चलो, मैं आ चुका हूँ वापस, कल आया था वही बैंक पे। तो चलते देखते क्या होता है। अभी हमें आ चुका, मैंने फॉर्म तो दे दिया, अभी देखते हैं कितना मतलब टाइम लग जाता है, अभी थोड़ी वेट कर लेते हैं। तो चलो फाइनली निकल चुका है, थोड़ा वेट किया आधा घंटा, तो उसने करके दिया। कल नहीं हो गया था, कल अकाउंट में बैलेंस नहीं था, आज था तो आज हो गया है। तो चलिए इसे घर पर जाकर अनबॉक्सिंग करेंगे। ओके चलिए। डेबिट कार्ड तो मिल चुका है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जब एटीएम जब मिला था तो ऐसे पैकेट में था, शायद क्या पता इसमें डेबिट का ही एटीएम निकला। अभी घर पे जाके इसको अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा। वैसे धूप बहुत हो रही है और मुझे तो भाई बहुत गर्मी हो रही है। विंडो तो एकदम घिस चुका है। चलिए चलिए, मैं आ चुका हूँ वापस। चार रास्ता पे गया था, वापस गुंजन में आया हूँ वापस। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ वापस से, बहुत थक गया था। क्रेडिट कार्ड तो अपना निकल चुका है और गेट सक्सेस। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, अब करते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ ऐसा है, देखते हैं कैसा होगा। और क्या बात है, इसमें पुस्तक दी हुई है। मेरा कुछ ऐसा है हमारा क्रेडिट कार्ड, और ये जो अभी सोफा ये कर रहे हैं, बैठा ही था कब से। अभी टीवी भी सुबह से चालू है, अभी तक बंद नहीं है, सुबह से चालू रखी टीवी। गुड मॉर्निंग, में तो आ चुका अभी बाहर। बाहर क्या धूप खिले, एकदम सनशाइन की तरह धूप खिले भाई, तो मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा जल्दी निकल गया था, शाम को जल्दी आओ ऐसा। तो चलिए अभी हमें यहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से ऑटो पकड़ लेते, चलते निकलते। तो यहाँ से ढूंढ लेते ऑटो। अभी हमें देखते थे कितना कोहरा मचा हुआ है, पूरा मतलब एकदम से कोहरा मचा हुआ है। वहाँ पर भी देखते तो वहाँ पर पूरा कोहरा मचा हुआ है भाई, क्या बात है। चलिए निकल चुके ऑटो में, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं चिड़ी नहीं, अपना वही पे, वही पे अपना काम है, अपना आम बाबा मंदिर के आगे ऑफिस है। ऑफिस ठंडी बहुत बढ़ गया है ना, स्वेटर वीटर पहना करो ऐसे तो। हाँ, इतना नहीं है, ठंडी नहीं तो बहुत है, रात में तो बहुत लगता है, क्या बोल रहे। पंखे के बिना तो नींद ही नहीं आता होगा, क्या बोल रहे। मैं आ चुका हूँ, बहुत जल्दी आ गया, आज बज के 18 मिनट पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये साइड में बहुत कचरा है, जैसे बाकी इसके साइड बोलेंगे ना अंदर की साइड, वहाँ पे कुछ कचरा नहीं इतना। तो मैं अभी आ चुका हूँ अभी यहाँ पे। अरे ये हेलो और चलो यहाँ पे क्या करें, हेलो और चलो, हेलो और चलो, हेलो और चलो। आया था स्टोर पे, स्टोर तो अभी बंद है, थोड़ी देर में आना पड़ेगा। हेलो और चलो, हेलो, ये वापस मिल गया मेरे को। अब भाव नहीं दे रहे भाई, छोड़ चलते अभी। सेकंड जॉब रहता है, आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, अभी तो नहीं। और अंकल क्या चल रहा है, आराम, धूप बहुत हो रही है। तो अभी मैं अच्छे को बिल्डिंग में डिलीवरी था, डिलीवरी करने आया हूँ। सब फ्लोर पे है, अरे उधर रुकना पड़ेगा, सामान है ना वहाँ पे, उधर रुक जाता हूँ मैं। वहाँ पे सामान रखा था तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी ले जा सकता है भाई, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। मेरा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं। अभी बिल्डिंग में खड़े रहने की ज़रूरत तो नहीं है सामान के साथ, लेकिन तो भी एक सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए भाई, रखनी तो पड़ती है सामान की। इस बिल्डिंग का क्या नाम है क्या पता भाई, इस बिल्डिंग में एकदम लग्जरी फ्लैट्स है और एकदम लग्जरी गाड़ियाँ है भाई, पूछो मत। तो यहाँ की डिलीवरी तो हो चुकी है ये वाली बिल्डिंग की, तो अभी जा रहे हैं आगे। चलिए ये है 404 की डिलीवरी, ये कर देते फटाफट। अंकल उतर चुके हैं वहाँ पे, तो चलते हैं यहाँ से अभी। चलिए भाई, यहाँ की भी डिलीवरी हो चुकी है, यहाँ के भी फ्लैट बोले ना एकदम लग्जरी फ्लैट्स भाई, बहुत 5 BHK 2 BHK। अभी चलते हैं वापस। तो अभी हमें जाना है राज रेसिडेंसी में, और गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ चुकी है और चालू हो गई है। एक तेल का डब्बा है वो देने जाना है, आगे जाना है, छरवाड़ा में जाना है, छरवाड़ा साइड जाना है। वो नहीं है ये, यहाँ का नहीं, यहाँ का ही है। ओके खड़े, राज रेसिडेंसी में लिफ्ट भी बहुत भारी है यहाँ से।
लिप भी देख सकते हैं भाई, इतनी लग्जरियस लिप से आ गए भाई। देखिए राज रेसिडेंसी नाम है गुरचन का, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इसे इधर कांच, ऊपर कांच, इधर सामने पीछे कांच, ऊपर मोबाइल में देख रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं, अभी जाना हो गया, डिलीवर तो हो गया, चलते हैं आगे। चलो पीछे से देख सकते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है ये, ना बहुत बड़ा बिल्डिंग है ये, दोनों साइड का है यानी ए टू। धूप जो है बहुत धूप हो रही है, क्या करें। शाम के 5-6 बज चुके हैं, अभी निकल चुका, अभी वही रास्ता हमें सीधे से जाना पड़ेगा आगे। अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैं आ चुका हूँ एटीएम में, और मैं गया था डीमार्ट में और वहाँ पे गया तो मतलब फोकट हो गया, निकले ही नहीं पैसे भाई। तो अभी एटीएम आया और एटीएम में भी 200 नहीं निकल, सीधा मुझे 500 का निकालना पड़ रहा है। अभी देखते हैं 500 का निकलता है कि नहीं निकलता है, 500 का से निकल जाता है दोस्त। ओ लो ये देखो क्या बता, ये बता, योर कार्ड हैज़ बीन रिटर्न एट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच योर डिटेल्स। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा था अभी। चलो कैंसिल करते हैं अभी शॉपिंग। चलो मैं जा रहा हूँ अभी दूसरे एटीएम में, वहाँ पे देखते हैं। ये बहुत अच्छा है ना, 500 का निकालेगा लेकिन 200 का नहीं निकलेगा। चलिए आ चुके हैं एटीएम में, ट्राई करते हैं। वहाँ के एटीएम में ना भाई है कि एटीएम मतलब कुछ काम के नहीं, मतलब चलते नहीं, क्या करते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी का स्लो है, क्या वापी के जो है ना समझ लो ये प्रॉब्लम होती है। और मैं हर बार डीमार्ट में जाता हूँ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम, नेट नहीं चलता भाई, क्या है। यहाँ पे देखते हैं ओके, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म तो की है लेकिन प्लीज वेट, पता रहा दिस जस्ट बीन ट्रांजेक्शन। वो भाई के तो निकल चुके हैं, मैं ट्राई करता हूँ अभी, यहाँ पे भी नहीं निकला भाई, अभी क्या करें। चलो चलते हैं, घर पे आ चुका हूँ तो मुझे कुछ परचेसिंग करना था तो मैंने गूगल पे कर दिया था, तो अभी सामान मैं घर पे लेके आ चुका हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय।